आज बड़ी मजा आ गई। तो डॉक्टर साहब ने मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा और मेरे सामने उसको सब्सक्राइब भी किया और अप्रिशिएट भी किया, और उन्होंने मुझे अपना भी अपने आप ही यूट्यूब चैनल बताया। तो मजा आया ना मम्मी? बहुत मजा आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना। और मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी और उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह किया। और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी सा फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग लग रहा है संडे, फिर भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा अंदर से। मैं अपने आप को क्या नहीं कर पा रही हूँ, वर्ड नहीं मिल रहा है उसको, मोटिवेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं करूँगी, अपने आप को मोटिवेट करूँगी। और थोड़ा लिप्स भी फट रहे हैं, आई थिंक मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ लिप बाम लगाने के बाद। वाओ, ये तो कुछ लिपस्टिक ऐसा लग रहा है लेकिन है लिप बाम। डार्क लग रही है, रिफ्रेश लग रही हूँ, सही लग रही, पहले से एक्टिव लग रही हूँ, आँखें ऐसे लग रही है खुली खुली, सही सही लग रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। शेयर करना चाहती हूँ अडवाने का एक्सपीरियंस। मैंने फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा सोच के, बड़ा स्टाइलो ब्रांड है, और मैंने उससे कुछ ऑर्डर किए थे अपने वेस्टर्न क्लोथ का ऑर्डर किया था, 14 को डिलीवर दिखाना था, लेकिन अब तक डिस्पैच तक नहीं हो पाया। फ़ोन नंबर उनका दिया जो वो लगता नहीं है। अडवानिक नाम बड़े और दर्शन छोटे छोटे छोटे। बहुत बोरिंग लग रहा है, वॉन्ट टू लुक एक्टिव। जाके इलाज करो। आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम सो एनर्जेटिक, आई एम सो फ्रेश, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो ग्लैड। ओवर एक्टिंग लग रही है अब तो, अंदर से फील नहीं हो रहा ना, ग्लैड ग्लैड फील नहीं हो रहा है। 24 आवर्स लेट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और जैसे आप देख रहे हैं, ये है मेरा H2O का एच कप, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन की 2 यूनिट और ऑक्सीजन की 1 यूनिट से इसका पानी तैयार होता है। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं इस पानी के, तो इस पर आप मेरा पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो मॉर्निंग में 1 कप तो इसका ज़रूर लेती हूँ, और उसके बाद कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 से 3 कप इसके मैं कंज्यूम कर पाऊँ। मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी कि एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कल मुझे काफ़ी सुबह उठ के लेजीनेस और स्लीपी और मूड ऑफ फील हो रहा था, और किस चीज़ में मन नहीं लग रहा था, और अंदर से थोड़ी सी सैडनेस लग रही थी, और मतलब एक होता ना एक फ्रेश फील होना, मेंटली भी फिजिकली भी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, जबकि एकदम सुबह नहा कर सो के उठने के बाद ऐसा आपको लगना चाहिए, और आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। लेकिन हाँ, उसके बाद दोपहर के बाद मैंने कंज्यूम किया था एक मल्टीविटामिन टियांस वाला, जिसमें मैग्नीशियम सिर्फ टियांस के ही उसमें होता है, और काफ़ी नेचुरल है, जो बॉडी में एक्सेस भी नहीं हो पाता। 30 डेज में 20 की पैक आता है कंज्यूम करने के लिए इसका। और उसके साथ मैंने मल्टीविटामिन के साथ किया था, मैंने जिंक के 2 कैप्सूल्स कंज्यूम किए थे, और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील होने लगा, और मेरा मूड भी मतलब पहले से बेटर हुआ। और इवन तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिए, क्योंकि मे बी बॉडीज़ में कई बार कुछ होता है कि कुछ न्यूट्रिशन हम इतना भी अच्छा खाते हैं फुलफ़िल नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो उस तरह से आता है एनर्जेटिक, और मूड जो होता है उस तरह से नहीं रिस्पॉन्स कर पाता है जैसे कि नॉर्मल डेज में करता है, एक्टिव जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ बस आपके साथ। लेकिन सीरियसली मैं कहना चाहती हूँ कि जो अर्बेनिक के, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम से 15-20 दिन में कहीं जाना है, तो प्लीज़ आप अर्बेनिक से ऑर्डर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उसको 15 दिन से ज़्यादा हो गया, 1 तारीख और 14-15 आज 16-17 तारीख हो गई, वो जो है वो डिस्पैच तो अलग बात है, वो अभी तक शिप नहीं हुआ है, फिर कब वो मेरे पास आएगा। अगर आपको इमरजेंसी है तो फिर आप ऐसा अर्बेनिक से मत करिए, फिर आप जो अपनी जिस पर आपको ट्रस्ट हो उस साइड पर जाके करिए। और मैंने
ये सोचकर जल्दी किया था कि मुझे थोड़ा सा ये था कि एक बार मैं नया कुछ ट्राई करती हूँ और उस साइड से लेकर, और क्योंकि मुझे थोड़े से क्लोथ उसके जो है वो अच्छे लग रहे थे, थोड़े से यूनिक लग रहे थे, डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही थी। लेकिन ऐसे डिज़ाइनिंग का कोई मतलब नहीं जो आपके टाइम पे यूज़ ना आ सकें जब आपको उसकी नीड है। जब आपसे मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी लॉस्ट हो गया, क्योंकि अगर वो सामान अब जब भी आता है तो मुझे उसकी वो नीड नहीं है, क्योंकि वो तब तक मेरे पास नहीं पहुँच पाएगा जिस पर्पज़ से मुझे उसकी ज़रूरत थी। उस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे उतने की शॉपिंग अलग से करनी पड़ी और वो सेम प्रोडक्ट्स मुझे फिर से लेने पड़े। और अब जो आएंगे भी तो आई थिंक मैं उसको रिटर्न नहीं कर दूंगी जब भी वो आएंगे। और मुझे अब ये भी डर लग रहा है अगर मैं अभी उसको कैंसिल करती हूँ तो वो रिफंड हो पाता है कि नहीं हो पाता मेरे अकाउंट में। और डोंट गो फॉर ऑर्गेनिक अगर आपको अपने क्लोज बहुत इमरजेंसी में बहुत ज़रूरत में चाहिए, क्योंकि जिस डेट को मेंशन किए हैं वो ज़रूरी नहीं आपको उस डेट पर पहुंच जाएगा, तो डोंट चेक या फिर डोंट गो फॉर दिस डेट के आपसे ट्रस्ट नहीं कर सकते उस डेट के ऊपर। हाँ, लेकिन अदर साइट्स पे जो है, अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूँ, अगर मैं मिंत्रा की बात करूँ, तो आप उस पर डेट जो देते हैं उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, और आज का दिन थोड़ा सा हैट्रिक रहने वाला है। आई थिंक आज डॉक्टर के पास जाना है, मैं छुट्टी का वेट कर रही थी तो आज छुट्टी मिली है मंडे की, तो आज मैं मम्मी को लेके जाऊंगी। और मैं रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि मैं कर सकूँ। थकान हो जाती है कि फिर मन नहीं हो पाता, ऐसे सच बोल रहे थे, क्योंकि बहुत थकने का असर था। जो भी वीडियो शूट करो फ्रेश मूड में करो, फ्रेशनेस में करो, और जब मुझे ऐसा लगता है जब मैं करूँ तो मैं उस चीज़ को दिल से करूँ, और जो मेरा बहुत अच्छे से मन कर रहा हूँ, स्पेशली मेरा मन होना चाहिए। तो मिलते हैं, और अब हम खरीदने जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। और तो आज है हमारे ब्रेकफास्ट में टैंग टैंग डोसा सांभर और मूंगफली की चटनी। तो ओला में बैठ चुके हैं हम लोग, जा रहे हैं इधर, पकड़ लो आगे, ऐसे पकड़ लो, हाँ आराम से पकड़ लो, ये भी है, ये भी पकड़ने के लिए होता है, ये ऐसे पकड़ लो, तो अभी 9:30 बजे तो अभी 9:30 बज रहे हैं और हम लोग अब जा रहे हैं। हम लोग ने ओला कर लिया है, ऑटो ओला, और बस पहुँचते हैं। और ये मम्मी बैठी हैं, इनका कहना है कि बहुत देर तक बैठ नहीं पाती हैं, तो कह रही हैं जल्दी नंबर आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, इससे टाइम से घर भी आता है। तो देखते हैं आप सब फिट एंड फाइन हो और जल्दी से नंबर आ जाए, बस बन गया तो काफ़ी आराम हो गया, नहीं तो यहाँ तक क्रॉसिंग होती थी भाई साहब बहुत ज़्यादा रुलाता था उसका जाम, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। जाम में फंस गए, क्रॉसिंग में फंस चुके हैं, ग्रीन हो गया, आज तो जल्दी खुल गया। सिग्नल ग्रीन हो चुका है, बैठा दिया जैसे कि, और मैं आने वाली हूँ, दिखाएंगे सब, वेट कर रहे हैं सारे लोग डॉक्टर्स का, वेटिंग फॉर डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। मम्मी को यहाँ पे नींद आ रही है बहुत तेज, नींद आ रही है ना, बहुत बोर हो रहे हैं, बहुत नींद आ रही है, पता नहीं कब आएंगे डॉक्टर। और मम्मी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रही थी, मैं तो पता करने के लिए जा रही हूँ, तो मम्मी मुझसे कह रही है मुझे छोड़ के मत चले जाना, मुझे डर लगता है अकेले, तो मैं मम्मी को छोड़ के कहाँ चली जाऊँगी यहाँ से। तो मैं और मम्मी दिखा चुके हैं डॉक्टर साहब को, हमारा पहला ही नंबर था, और दिखाने में दवाई तो ले ली है, और साथ में अब ऑटो भी आ गया है, तो फटाफट चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, भैया हम लोगों को लेने आ गए थे ऑटो वाले भैया, और आज बहुत ही अच्छा रहा ना मम्मी वो, हाँ तो आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि डॉक्टर साहब ने मेरे चैनल को खुद पूछा और खुद सब्सक्राइब किया, और तो काफ़ी नेचर वाइज भी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा गाइड किया। चलो टाइम बज रहा है 12:30 बजे तक सारा काम निपट गया अपना, कहीं से आपको बस लस्सी पिला दें फिर बस चला जाए।
इसको नीचे कर देती ना, हवा नहीं आएगी ना। आपकी तरफ का भी कर दूं क्या? या नीचे कर दूं वो? अब आपको गर्मी नहीं ठीक लगेगा थोड़ा, ठीक है थोड़ा। आज बड़ी मज़ा आ गई। तो डॉक्टर साहब ने मेरे YouTube चैनल के बारे में पूछा और मेरे सामने इसको सब्सक्राइब भी किया। तो उन्होंने मुझे अपना भी अपने आप ही YouTube चैनल बताया। तो मज़ा आया ना मम्मी? हाँ बहुत मज़ा आया। उसका नाम है डॉक्टर गुड्डू कुमार, शुगरोलॉजिस्ट, और ही इज़ वेरी रॉयल पर्सनैलिटी और डाउन टू अर्थ। One hour later. पहुंच चुकी हूँ घर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब लस्सी पियेंगे, लस्सी लेके आए, लस्सी नहीं दही लेके आए हैं। अब बीज बना रहे हैं लस्सी, उसके बाद थोड़ी देर लस्सी वस्सी पी जाएगी। और कितना मतलब डार्क सर्कल सा हो गया, ऐसा लग रहा है कि धूप में जाकर। मैं दुपट्टा लेके गई थी, लेकिन दुपट्टा फिर मैंने मम्मी को दे दिया था क्योंकि मम्मी को धूप ज़्यादा लग रही थी अपना। और बहुत अच्छी फीलिंग आई। डॉक्टर गुड्डू कुमार और जो कि कृष्णा हॉस्पिटल में है, और उनको दिखाया और फिर उन्होंने खुद से पूछा कि मेरे चैनल के बारे में कि मैम ये क्या है एक्चुअल में माइक देखा। तो फिर मैंने उनको बताया तो कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। और फिर उन्होंने भी अब बताया कि वो भी अपना यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। और तुरंत ही उन्होंने मेरा जो है यूट्यूब चैनल को खोला और सब्सक्राइब किया। और उन्होंने बोला मैं अपने और पेशेंट से भी सब्सक्राइब करवाऊँगा। और मतलब ही इज़ वेरी हम्बल और बहुत जेन्युइन पर्सन लगे मुझे। तो जब लौट के आए तो मैं ये सब बात मम्मी को ऑटो में बताई थी। तो ऑटो वाले भैया भी बहुत अच्छे मिले, उन्होंने अपना नंबर दे दिया कि कभी इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आपके एरिया के आसपास का हूँ। तो कल क्योंकि मैं सोच रही थी कोई ऐसा ऑटो होता जो हमारे एरिया के आसपास में होता और ज़रूरत पड़ने पर हम बुला सकें। और आज ही भगवान की कुछ ऐसी कृपा रहेगी, उन्होंने खुद से बोला। तो थैंक्स टू गॉड। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ठीक रहा, और क्योंकि हॉस्पिटल जाना कोई अच्छी बात तो होती नहीं, इसलिए बहुत अच्छा तो नहीं रहा। और क्योंकि बस मम्मी की तबीयत टचवुड ठीक ठाक रहे और कभी दोबारा जाना ना पड़े, कभी नहीं जाना पड़े। और फिर उसके बाद भैया ने भी मुझसे पूछा कि ऑटो वाले भैया ने कि मैम आपका चैनल क्या है, मैं सब्सक्राइब करूँगा। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन। आज का वीडियो यहीं बंद करती हूँ क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। और आज का वीडियो बस यहीं तक। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, और मेरी लाइफ से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।